सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा के बयान के समर्थन में उतरे पूर्व राज्यपाल पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह सोलंकी ने किया ट्वीट, कहा विधायक की बात पर संज्ञान लेने की जरूरत। जबलपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में भारी चूक, पार्टी कार्यालय पहुंचते बिगड़े हालात, धक्का मुक्की के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संभाला मोर्चा, रोड शो खत्म होने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे थे नड्डा। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर, छत्तीसगढ़ शिफ्ट किए गए कांग्रेस विधायक, नवरायपुर के रिजॉर्ट में सभी एमएलए को ठहराया गया। मिशन 2023 में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस, रायपुर में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का दूसरा दिन, केंद्र के खिलाफ आंदोलन समेत 6 मुद्दों पर अलग अलग कमेटी बनाकर चर्चा। गरियाबंद जिले के किडनी मरीजों को अब डायलिसिस के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, जिले में डायलिसिस की 5 मशीनें लगाई गई, 3 मशीनें जिला अस्पताल और 2 मशीनें देखभोग अस्पताल में किया गया इंस्टॉल। धमतरी से मधली लूट की वीडियो आई सामने, लोडिंग पिकअप वाहन में ब्रेक लगने से सड़क पर गिरी मछलियां, सड़क पे मछलियां देख लोगों में मछली लूटने की लगी होड़। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा हाथियों का आतंक, जशपुर में हाथियों के दल ने मचाया उत्पात, महिला के लिए जान, फरसा गांव में हाथियों ने मचाया था उत्पात, हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत, ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। मुंगेली जिला प्रशासन ने पहली बार किड समर कैंप का आयोजन किया, समर कैंप का आयोजन स्वामी आत्मानंद स्कूल में किया गया, समर कैंप में 500 से अधिक बच्चों ने लिया हिस्सा। कवर्धा तहसील के गांव बिजई में हुई राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, 23 एकड़ शासकीय भूमि अतिक्रमण से कराया मुक्त, 42 लोगों ने खेत बनाकर किया था कब्जा, नोटिस देने के बाद भी हटाया नहीं था कब्जा। पानी के लिए जिंदगी को दांव पर लगा रहे लोग, डिंडोरी के घुसिया गांव में ग्रामीणों को करना पड़ रहा है भीषण जल संकट का सामना। ग्वालियर में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल, आईएएस मनोज सिंगल मां और 2 भाइयों की मौत हुई, गाड़ी को ट्रक ने मारी थी टक्कर, रूप से घायल हुए, बेहतर इलाज के लिए आईएएस के लिए दिल्ली रेफर किया गया। भानुप्रतापपुर में नक्सलियों की कायराना करतूत, नक्सलियों ने तेंदुपत्ता फंड में लगाई आग, देर रात आगजनी की घटना को दिया अंजाम, फंड में रखा था 1000 बोरा तेंदुपत्ता जलकर राख हुआ, भानुप्रतापपुर के कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र की घटना है। छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार कर रही है कोशिश, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का फिर भी हाल बेहाल, जिले के अस्पतालों में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भारी कमी, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया हालात सुधारने का आश्वासन। कटनी में खून से सना मिला बुजुर्ग महिला का शव, महिला पर धार धार हथियार से किया गया हमला, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। धमतरी के अर्जुनी थाना इलाके में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी, हादसे में किसी के आहताहत होने की खबर नहीं। विदिशा के गंज वासुदा में 2 परिवारों ने पीएम आवास के तहत मकान नहीं मिलने पर कलेक्ट्रेट पहुंचे, पीएम आवास के तहत घर बनाने के लिए रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया। रीवा में लाखों के नशीली कफ सिरप के साथ लग्जरी कार बरामद की गई, बरामद किए गए कफ सिरप की कीमत 1,60,000 के करीब, शाहपुर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। भिंड जिले के मेहगांव कस्बे में बीती रात ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने बोला धावा, तिजोरी को काट कर उसमें से रखे 50 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के जेवरात चुराकर फरार हुए। कांकेर में 2 सीआरपीएफ जवानों ने आपसी विवाद में सर्विस राइफल से एक दूसरे को गोली मारी, दोनों जवानों की मौके पर मौत हुई, नक्सल प्रभावित क्षेत्र मरपल्ली में पदस्थ दोनों जवान, घटना को नहीं हो सकी आधिकारिक पुष्टि। हरदा में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए, सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदा के गुल्लास गांव की घटना है। निवाड़ी में नहाते समय हुआ हादसा, 2 नाबालिग बच्चे तालाब में डूबे, तालाब के गहरे पानी में डूबने से 1 बच्चे की मौके पर मौत हो गई, 1 बच्चे को पानी से निकाला गया। जशपुर जिले में मामूली सी बात पर अपने ससुर की डंडे से पिटाई कर उतारा मौत की घाट, दामाद हेमसागर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तुमला थाना क्षेत्र की घटना। सतना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय चोर गैंग की 2 महिला और 1 पुरुष सदस्य को उत्तर प्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी आदर्श आचार संहिता लागू की, कलेक्टर वृंदावन एसपी मोनिका शुक्ला ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ली। अनूपपुर जिले में जंगली भालू के हमले से 1 वृद्ध की मौत, लकड़ी लेने जेथरी वन परिक्षेत्र के अंदर जंगल गए थे ग्रामीण।
कवर्धा में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, शासकीय जमीन पर हुए अतिक्रमण पर प्रशासन ने की कार्रवाई। 23 एकड़ शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त हुए, अब 42 लोगों ने खेत बनाकर किया था कब्जा। नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया था कब्जा। मोला मानपुर में ग्रामीण निजी तौर पर कर रहे तेंदुपत्ता का संग्रहण, तेंदुपत्ता का निजी संग्रहण और सीधे किसी ठेकेदार को बेचना है अवैध। वन विभाग ने जब्त किए 250 बोरा तेंदुपत्ता। भानुप्रतापपुर में नक्सलियों की कायराना करतूत आई सामने, तेंदुपत्ता फंड में लगाई आग, देर रात आगजनी की घटना को दिया अंजाम, फंड में रखा 1000 बोरा तेंदुपत्ता जलकर हुआ राख। जांजगीर चांपा की सख्ती, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किसान से फर्जीवाड़ा कर खाते से पैसे निकालने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 288 एटीएम कार्ड समेत 4,95,000 रुपए किए बरामद। भिलाई में स्टील प्लांट में वेल्डिंग के दौरान लगी आग, आग में झुलसने से एक कर्मचारी की मौत हुई, एक कर्मचारी घायल हुआ। बीएसपी मैनेजमेंट के कार्रवाई करते हुए डीजीएम को निलंबित किया। जांजगीर चांपा के अलकतरा थाने क्षेत्र में उठाई गिरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 7.5 लाख रुपए के सोना चांदी के जेवर, 50,000 रुपए नगद और बाइक बरामद। महासमुंद जिले में आयुर्वेद चिकित्सा की जमीनी हालात बदहाल, जिले में आयुर्वेदिक डॉक्टरों, स्टाफ और दवाइयों की कमी के कारण मरीज हो रहे थे परेशान। आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए जिले में खोले गए 36 आयुर्वेदिक औषधालय। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 25 ट्रेनों में मिलेगी जनरल कोच की सुविधा, 6 महीने पहले रेलवे बोर्ड ने किया था आदेश, सेकेंड सिटिंग के हिसाब से अलग अलग दिनों में मिलेगी यात्रियों को टिकट। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित गढ़चिरौली में 2 जवानों में आपसी खूनी संघर्ष के बाद मौत हो गई, दोनों जवानों ने अपने अपने सर्विस राइफल से एक दूसरे पर गोली चलाई। जशपुर में राजस्व विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर अनिरुद्ध भगत से लाखों की ठगी, पुलिस ने आरोपी द्वारकानाथ मिश्रा, नसरत तिग्गौर, तेज प्रताप टिप्पो को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर अलग अलग जिलों से गिरफ्तारी हुई। गरियाबंद जिले में अब किडनी मरीजों को डायलिसिस के लिए नहीं पड़ेगा भटकना, जिले में डायलिसिस की 5 मशीनें लगाई गई, केंद्र सरकार की जीवन धारा योजना के तहत लोगों को मिलेगा ये लाभ। शिवपुरी में खाते में पैसे ट्रांसफर ना करने पर हुआ विवाद, युवक ने दुकानदार की लाठी डंडों से पिटाई की और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। खाते में पैसे ट्रांसफर ना करने पर भड़का था आरोपी, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू की। मुरैना में जुआरियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, पुलिस को चकमा देकर जुआ खेल रहे थे आरोपी, दबिश की सूचना लीक होने की बात कह रही है पुलिस। खंडवा में अस्पताल में भर्ती मरीज पर हुआ जानलेवा हमला, जिला अस्पताल में घुसकर बदमाशों ने किया हमला, 2 दिन पहले भी युवक पर बदमाशों ने हमला किया था। मोखट थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोरबा के एसईसीएल कुसमुंडा विस्तार परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों में भारी आक्रोश, कोयला खनन के लिए पिछले 15 दिनों से लगातार ब्लास्टिंग जारी, विरोध में ग्रामीणों ने एसईसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कवर्धा में किसानों ने किया चक्का जाम, कवर्धा बिलासपुर मार्ग पर किया चक्का जाम, शक्कर कारखाना से भुगतान न होने पर किया चक्का जाम, भारी संख्या में पुलिस बल रही तैनात, शुगर मिल के प्रबंधक ने किया था भुगतान का वादा। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर एक्शन में गृह मंत्रालय, कल होगी बैठक, मीटिंग में कश्मीर की मौजूदा हालत पर होगा मंथन। हाई लेवल बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल होंगे, मनोज सिन्हा शाह को देंगे टारगेट किलिंग की जानकारी। हेराल्ड केस में राहुल गांधी की ईडी का समन, राहुल को आज ईडी के सामने होना है पेश, लेकिन विदेश में होने के चलते ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। ईडी के समन पर कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा, ईडी के नोटिस से नहीं टूटेगा सोनिया राहुल का हौसला। मूसेवाला की हत्या के बाद वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर विवाद में मान सरकार, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वीआईपी सुरक्षा पर आज हुई सुनवाई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब किया, अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आज राज्य सरकार से रिकॉर्ड और रिपोर्ट पेश करने को कहा था। भगवान मान ने पिछले दिनों प्रदेश के जिन 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा घटाई उनमें ओपी सोनी भी शामिल थे। मध्य प्रदेश में अक्षय कुमार की फिल्म टैक्स फ्री, अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को मध्य प्रदेश में किया गया टैक्स फ्री।